करतारपुर दी गल है, बहुत सारा इकट्ठ उस दिन सी। गुरु नानक देव जी महाराज दे दर्शना नू चारों पासे तो संगता उमड़िया, अंदाजे तो वद संगत वेख के गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद नू अपने कोल बुलाया। आख्या, बेटा संगत बहुत आई है। हां गुरुदेव पिता, संगत बहुत आई है। साडा मन इस संगत ते बहुत खुश है। महाराज, खुशी दी गल है कि संगत नू वेख के आप नू खुशी हो रही है। श्री चंद फिर जिस ते खुशी होवे उस नू कुछ देण नू जी करदा है। हां महाराज, ऐसा सिद्धांत है। सारी संगत नू मिठाई छकानी है, मिठाई दा लंगर, मिष्ठान प्रसाद। श्री चंद कहने लगा, महाराज लंगर ते जो कुछ बने होवे वही छकाना पेगा, और इतनी सारी संगत इतनी मिठाई कित्थों आवे। अचनचेत बनांदियां भी वक्त लगेगा। महाराज ये ते मुश्किल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, श्री चंद ऐ सामने जो जंड दा दरख्त है इस दे उपर चढ़ जा, इनू जोर दे नाल झूण हिला, मिठाइयां टपकणगियां, थल्ले तू चादरां विछा दे, फिर ओ मिठाई आपां संगत विच वंडांगे। श्री चंद कहण लगा, गुरदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पए हो। दरख्तां तों मिठाई, और दरख्त भी जंडदा जिहनूं कोई चंगा फुल भी नहीं लगदा, आप कहिंदे नूं मिठाई। एक पासे हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने दूजे साहिबजादे बाबा लखमीदास नूं बुलाया, बेटे तू इस दरख्त ते चढ़ जा और हिला झूण, मिठाइयां संगत दे चवंडनियां ने। हाथ जोड़ के लखमीदास भी कहण लगे, गुरुदेव पिता दरख्तां तों मिठाई, और दरख्त भी जंडदा जिन्हों कोई माड़ा मोटा चजदा फल भी नहीं लगता। वड्डे बिराता ठीक कहंदे ने, आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पए हो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सेवा दी मूर्ति, निर्माणता दी मूर्ति भाई लैणे नूं जो संगत विच सब तो अखीर बैठा सी आवाज मारी, इशारा कीता, भजे होया आया, कदमा ते मत्था टेकया, हुकम बहुत संगत आई है लैणा जी, इस दरख्त ते चढ़ जाओ, इनू जोर दा झूणो, आपां मिठाइयां वंडणियां ने संगत विच। हुकम मन के जद दरख्त ते चढ़न लगे, श्री चंद ने रोकया, आख्या लैणा जी दरख्तां तो मिठाई, अनहोनी गल है, जगत की आखेगा। पर लैणा जी चढ़दे गए, श्री चंद रोकदे ने, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी। तो लैणा जी कहिंदे ने, मिठाई टपके भावे ना टपके इस नाल साडा कोई मतलब नहीं, असी ते गुरदेव दा हुक्म मनना है। बस हुक्म मन के खुशी लैनी है, बचन मन के खुशी लैनी है। गुरु अंगद देव जी महाराज वाकई गुरु नानक दी खुशी लै सके, गुरु नानक दी प्रसन्नता दे पात्र बन सके, और ये उन्हां दा श्लोक जो है उन्हां दे किरदार नूं ही सामने उजागर करदा है कि चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद। चाकर एक ते चाकरी करे, सेवा करे, पर सेवा करन दे नाल नाल सेवा दा ही हंकार करे, गर्व प्रगट करे, ते सिर्फ सेवा दा हंकार ही नहीं, गल्लां करे घनेरियां, जरूरत तो ज्यादा बोल बोले, जिन्हां बोलां दी लोड़ ही नहीं ओ बोले, और बोलां दे च अहंकार प्रगट करे, गल्लां करे घनेरियां, कसम ना पाए सा, ये मालक दी खुशी नहीं ले सकेगा, ये मालक दी प्रसन्नता नहीं ले सकेगा। पर किस तरह लवे, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अपने आप नूं गवा के, अपने अहंकार नूं गवा के सेवा दे च लीन होवे तां किथे जाके अध्यात्मक माण प्राप्त करेगा,
अध्यात्मक रस प्राप्त करेगा। नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण। जिस दी सेवा दे च ए लग्या है बस उस दी सेवा दे च ही लग जाए, प्रमाण हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। वही प्रमाण है जो जिस दी सेवा दे च लगा है, बस एक लीन एक अवस्था बना के सेवा कर रहे है। दूजा श्लोक जो दूजे पातशाह दा है वो ए है, नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास। कहिंदे ने दुश्मनी ते मित्रता बराबरी दे तल ते चाहीदी है। अगर तल बराबरी दा नहीं तो अक्सर देखण दे चाया है वो दोस्ती भी सफल नहीं आउंदी और वो दुश्मनी भी किसी हद तक बेमजा होंदी है। एक कमजोर ते ताकतवर दी दुश्मनी बेमैनी है, एक मूर्ख ते सियाने दी दुश्मनी दरअसल ये ऐसी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कि जैसे पानी दी लकीर होवे, वो कोई ठहरदी थोड़ी है। इस दिच ये नहीं कह रहे कि छोटे दा वड्डे नाल संबंध ना होवे या वड्डे दा छोटे नाल प्यार ना होवे। महाराज कहिंदे ने जिसनू कहिंदे ने मित्रता, जिसनू कहिंदे ने दोस्ती, वो ते बराबरी दे ही तल ते हुंदी है। कुछ ना कुछ बराबरी चाहिए। असी देखते हाँ किधरे दो पुरशां दे धन की बराबरी तो नहीं पर गुणा की बराबरी है, दोस्ती हो सकती है। दो पुरशां दे जात पात की बराबरी तो नहीं पर कला ते ज्ञान की बराबरी हो सकती है, सियाणप की बराबरी हो सकती है। क्योंकि वर्ग सिर्फ धन का नहीं, वर्ग सिर्फ स्वपन का नहीं, तो वर्ग सिर्फ सियाणप का ही नहीं, वर्ग सिर्फ कला का ही नहीं, अनेक वर्ग ने। किसी भी तल ते दो वर्ग आपस में मेल खावन ते फिर दोस्ती हो सकती है। पर कोई वर्ग मेल नहीं खांदा। असी देख रहे हैं कृष्ण ते सुदामे दी दोस्ती, ये ठीक है कि धन करके सुदामा ते कृष्ण दा कोई मेल नहीं। वो राजा है, इस दे कुल कुछ भी नहीं, रहण दी चंगी कुटिया भी नहीं। वो कंचन दे महल ते मोतियां दे अंबार विच रह रहा है, इहदे कुल दो वक्त दी रोटी भी नहीं। लेकिन इतिहास साक्षी है, दोस्ती बड़ी गूढ़ी, मित्रता बड़ी गूढ़ी। ते जगत दे तमाम रहबरी पुरुष कहिंदे ने मित्रता उत्थे गूढ़ी आउंदी है जिथे बराबरी दा तल होवे। तो कुछ ना कुछ बराबरी दा तल है, वो की है? ज्ञान दा तल दोहां दा बराबर है। जो कृष्ण कोल ज्ञान है वो सुदामे कोल भी है, जिहड़े दैवी गुण कृष्ण दे कोल ने वो सुदामे कोल भी ने, जिहड़ी लंबी सूझ समझ कृष्ण कोल है वो लंबी सूझ समझ सुदामे कोल भी है, जो अणख ते सूर वीरता कृष्ण कोल है वो अणख सुदामे कोल भी है। गया जरूर है, मुफलिस जरूर से, पर जबान तो मंगया नहीं इसने, ये अणख है। और जिथे इस तरह की अणख की बराबरी होवे, सूर वीरता की बराबरी होवे, दैवी गुणा की बराबरी होवे, ज्ञान की बराबरी होवे, इतनी बराबरी से की होया जे धन की बराबरी नहीं, की होया जे राज पाठ की बराबरी नहीं। दोस्ती उत्थे ही गूढ़ी होवेगी जिथे कुछ ना कुछ बराबर है। एक बच्चे ते बुढ़े की भी दोस्ती हो सकती है अगर अंदरूनी ज्ञान की बराबरी हो जाए, सियाणप की जो है बराबरी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दो बुढ़िया दे च भी दोस्ती ना होवे, एक बुढ़ा बहुत सियाणा है, आलम है, और एक कुबड़ है, मूढ़ है, नहीं होवेगी, मुश्किल है। हूबहू यही गल गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान पे करते हैं कि मित्रता लई कुछ ना कुछ बराबरी का वर्ग चाहिए, वरना मित्रता होनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। तो सतगुरु देव जी महाराज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दे ए वाक, आप कहते हैं कि मित्रता लई बराबरी दा तल चाहिए। जो जी होए सो उगवे, मौका के आवाओ, बीजे दिख मंगे अमृत, वेखो एव न्याओ, नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोसो न्यो, पानी अंदर लेक जाऊं तिसदा थाओ न थ्यो। बड़े कीमती उदाहरण गुरु अंगद देव जी महाराज ने दिते ने।
दोस्ती दी रूपरेखा बयान करन तो पहले आप कहंदे ने कि मनुख दे अंतिशकरण दे जो कुछ होंदा है जबान ओही कुछ प्रगट कर दी है। ये नहीं कि जबान ने जो कुछ कह देता है ते मनुख ए आखे नहीं ये मेरे अंदर नहीं सी मैं एवें ही कट देता है, नहीं एवें ते निकल ही नहीं सकदा। जबान जो बयान कर दी है ये बैखरी है। इस तो पहले ये बोल कंठ दे चौंदे ने इनू मधमा कहंदे ने, इस तो पहले ये बोल हिरदे दे चौंदे ने इनू पसंती कहंदे ने, और इस तो पहले ये बोल नाभी दे चौंदे ने इसनू परा कहंदे ने। परा पसंती मधमा बैखरी। हुण जबान चो बोल प्रगट हो गए ते बंदा आखे मेरे अंदर ही नहीं सन मैं एवें कह दिते ने, ते मित्रा तू बुरा ना मनाई, पर सवाल पैदा होंदा है अंदर नहीं तो जबान बयान ही नहीं कर सकती, प्रगट ही नहीं हो सकते। साहेब गुरु अंगद देव जी महाराज ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस वक्त जेड़े बोल जबान चो निकले ने कम से कम उस वक्त ते वो बोल अंदर सन, वरना निकल ही ना सकते। टंकी दे च पानी नहीं तो टूटी दे राही निकलेगा नहीं। टंकी जो है वो ते नाभी है और ये टूटी जबान है। इनू खोलांगे तो अंदर दा पानी ही बाहर आवेगा। अंदर गंद है तो बोल गंदे निकलणगे, अंदर स्वच्छता है तो बोल पावन निकलणगे, पवित्र निकलणगे। गुरु अंगद देव जी महाराज दा फरमान, जो जी होए सो उगवे मोह का क्या वाह। जो कुछ मनुख दे जीव दे चाहुंदा है वही मुंह चो निकलदा है, वही हवा दी तरह वो बोल जो है निकलदे ने। बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए उने आओ। इंसाफ दी गल वेखो, साहिब गुरु अंगद देव जी कहंदे ने बीज दा जहर है मंगदा अमृत है, बोल दा कौड़ा है चांदा दोस्ती है मित्रता, बोलदा रुखा है ते चांदा मेरी दोस्ती होवे। कौड़े बोलन वाले मनुख दी जगत विच किधरे भी दोस्ती नहीं होंदी। हां दुश्मनी ते वध सकदी है, दोस्ती नहीं, मित्रता नहीं। इस वास्ते साहिब कहिंदे देखो ए न्याओ, बीज दा जहर है मंगदा अमृत है, नीयत भैड़ी है और फल चंगे मंगदा है। महाराज कहिंदे इस तरह दा जो मनुख है ते दूसरे तल ते कोई सियाणा होवे दोस्ती निभेगी नहीं। इस तरह दा जो इयाणा मनुख है, नादान मनुख है, उस दे नाल किस तरह दोस्ती निभेगी जिसकी नीयत ठीक नहीं, जिसके अंदर बोल कौड़े ने। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरजास। महाराज कहिंदे निर्णा करके वेख लो कि इयाणे नाल वड्डे दी दोस्ती निभेगी नहीं। एक 80 साल का बुढ़ा है, एक 5 साल का बच्चा है, दोस्ती नहीं हो सकती। संबंध हो सकता है पिता पुत्र का, संबंध हो सकता है पोतरे ते दादे का, दोस्ती नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो मुराद है एक मिक हो जाना। तो उस 5 साल के बच्चे का और उस 80 साल के बुढ़े का कोई भी वर्ग मेल नहीं खाता, किसी तरह का भी मेल नहीं जुड़ता, ना गुण का कला का सियाणप का बोलां का कुछ भी ते तालमेल नहीं बैठता। सोचने का मूल गल ते सोचने की है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे ने जैसे एक बिरद ते एक इयाणा नादान बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती, इस तरह मूर्ख ते सियाणा ये भी इस तरह ने, एक बुजुर्ग है एक नादान है। इत्थे उम्र करके इयाणा ते वड़पना नहीं लेना, वही बुजुर्ग है वड्डा है महान है जिसकी अकल महान है, वही इयाणा है नादान है जो शरीर तो ते कम लेंदा है अकल तो नहीं लेंदा, विचार तो नहीं लेंदा। जिदे बोला नाल अकल नहीं इयाणा है, जिदे वेखण दे च अकल नहीं सिर्फ अख वेख रही है, अख दे राही अकल नहीं वेख रही है इयाणा है। सिर्फ कन सुन रहे ने ते स्रोत दे च अकल सम्मिलित नहीं तो ये इयाणा है। सिर्फ जबान बोल रही है पर इस बोलन दे च अकल नहीं तो ये इयाणे दे बोल ने। और जितना असी देखते हैं शरीरक तल ते कम उम्र मनुख होंदा है, मासूम बच्चा है, उदे वेखण दे च अकल नहीं है। अगर अकल होवे
तो अग दे हथ पाण दा मतलब ही नहीं है। उदे बोलन दे अकल नहीं है, उदे सुनन दे अकल नहीं है, उदे चलन दे अकल नहीं है, उदे करन दे अकल नहीं है। ते जिस दे किसे भी कर्म दे नाल अकल जुड़ी हुई नहीं, ते जिस दे सारे कर्मां दे नाल अकल जुड़ी होवे, इस तरह दे दो मनुखां दी दोस्ती नहीं होवेगी, मित्रता नहीं होवेगी। महाराज कहिंदे नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरदास। ईरान दे सूफी संत ने ते साफ कह दिता, बजुर्गी बा अकलस्त नके बासाल, तवंगरी बा दिलस्त नके बामाल। बुजुर्गी अकल तो नापनी चाहिए, उम्र तो नहीं। एक किन्ने साल दा है, सालां नू सामने रख के किसी नू बुजुर्गी दा लकब देण दी लोड़ नहीं, उदी अकल नापनी चाहिए। इदी सोचनी कितनी बुलंद है। फिर अमीरी नू नापना है तां उदी महल माड़ियां नापण दी लोड़ नहीं, उदी धन संपदा नू तोलण दी लोड़ नहीं। तवंगरी बा दिलस्त नके बामाल, तवंगरी जो अमीरी है ओ दिल नू नापो कि इसका दिल किन्ना क वड्डा है। अरबां खरबां दी संपदा दा मालिक है, दिल इतना छोटा है कि उहदे च भरा लई भी थां कोई नहीं, मां बाप लई भी जगह कोई नहीं। उसकी धन दौलत, उसकी शौहरत, उसके दुनियावी सुख, उहदे च ओ मां बाप नू भी हिस्सादार बनाउण नू राजी नहीं, भरा नू भी नेड़े ढुकांदा नहीं। तो शेख सादी साहब कहिंदे ने इहनू अमीर आखण दी लोड़ नहीं, इहदा तां दिल बहुत छोटा है, दिल बहुत छोटा है। जिसका दिल वड्डा होवे, दौलत थोड़ी है, धन संपदा थोड़ी है, पर दिल बहुत वड्डा है, बस इसे नूं ही अमीर कहिंदे ने। बाबा फरीद कहिंदे ने अण होंदा आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद है ते इसदे कोल अद्धी रोटी ते भुख इसनूं पूरी लगी हुई है, पर अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती है। अण होंदा आप वंडाए, है नहीं फिर भी वंड रहा है। भुख पूरी लगी हुई है, रोटी अद्धी है, फिर भी अद्धी वंड के दे रहा है। बाबा फरीद कहिंदे मैं इस भगत तो सदके जाना, ये तो धार्मिक मनुख है, ये तो अमीर है, ये तो महान अमीर मनुख है, पर अरबां खरबां की जायदाद है ते फिर भी भरा दे मूंह दा टुक्कर खो रहा है, पड़ोसी दे मूंह दी रोटी खो रहा है। इनू अमीर कहना अमीरी दी तोहीन है, इनू दौलतमंद कहना दरअसल धनवान दी तोहीन है। इस वास्ते ये फकीर कहिंदा है तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। माल असबाब तो अमीरी नहीं, दिल तो है। किसदा दिल किन्ना क वड्डा है। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज का जो है फरमान, बुजुर्गी जिहड़ी है वो अकल तो है। दो अकलमंद मनुखां विच दोस्ती हो सकती है, मूर्ख ते अकलमंद दी दोस्ती बहुत लंबी नहीं चल सकती। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरजास। फिर गुरु अंगद देव जी एक होर उदाहरण देंदे ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। एक भांडे विच जो वस्तु पई हुई है ते उस विच विपरीत कोई दूसरी वस्तु असी पाना चाहते हैं तो ताही पै सकेगी, पहले पई हुई कट गई है। एक भांडे विच शराब पई है, उस विच दुध पाना है तो शराब कढ़नी पेगी। उसे भांडे विच अगर शराब पा दिते तो दुध दुध नहीं रहेगा, शराब शराब नहीं रहेगी। दरअसल पई हुई वस्तु एक पासे कढ़नी पेगी। इसनूं कहिंदे ने सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल होंदा ही नहीं। रोशनी विच रोशनी समा सकदी है, रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं। पानी विच पानी समा सकदा है, पानी ते तेल दा कोई मेल नहीं। अगर मिला दिता तेल वख दिखाई देगा, वो एक मिक नहीं हो सकणगे, क्योंकि दोवें विरोधी ने। देखण नूं सानूं ही दिखाई देगा कि एक मिक ने, पर फिर भी वो एक नहीं ने। दरवाजे नूं जद लोहे दी किल ठोकी है ते असी ऐसी तरक खड़ी कर सकदे हां, लोहा लकड़ दे समा गया, लकड़ होर जिनस है, लोहा होर जिनस है, पर नहीं, लोहे दी किल नूं जद ठोकिया गया
लक्कड़ सुकड़ के एक पासे हो गई है, लोहे ने अपनी थां बना ली है। जिस थां ते लोहे दी किल है उत्थे लक्कड़ कतई नहीं है। हां लोहे विच लोहा समा सकदा है, लोहा लक्कड़ विच नहीं समा सकदा। एक ईश्वरी नियम कि सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल नहीं होंदा। गुण विच गुण समा सकदे ने, गुण विच औगुण नहीं समा सकदे। औगुणा विच औगुण समाणगे, गुणा विच गुण समाणगे, रोशनी विच रोशनी समावेगी, अंधेरे विच होर अंधेरा कीता जा सकदा है, पर कोई आखे अंधकार ते प्रकाश नूं कठिया रखना है, ये औखी गल है। ये कल्पना दी दुनिया ते हो सकेगा, वास्तविक नहीं हो सकेगा। इस नूं एक सोहणे उदाहरण दे नाल महापुरशां ने समझाया है कि एक फकीर रोज सवेरे द्वार द्वार ते भिक्षा मंगण लई जांदा सी। अज अजीबो गरीब घटना घट गई। एक द्वार ते उसने दस्तक दित्ती, एक बीबी ने द्वार खोलिया, चुटकी आटे दी भिक्षा पात्र विच पाई, फकीर चल पिया। ये बीबी कहन लगी, फकीर भिक्षा लैके चल पिया, कुछ ज्ञान दी गल सुना, कुछ परमात्मा दी गल सुना, कुछ दे के जा। इस तरह की स्वार्थी बनना है? फकीर ने गल सुनी, आख्या कल रब दी चर्चा करांगे, कल कल तक उड़ीक कर। ये बीबी कहन लगी, फिर होर घरां च ना जावी, पहले इत्थे ही आवी। मैं तेरा ये भिक्षा पात्र खीर दे नाल भर देंगी। समय सिर फकीर पहुंचे है, द्वार ते दस्तक दित्ती है, भरे होया खीर दा करमंडल बीबी बार ले आई है। साधु ने भिक्षा पात्र अग्गे कीता है, कंबणी छिड़ गई इस बीबी नू, हाथ रुक गए। साधु कहिंदा है, खीर पा दे मेरे भांडे च। नहीं फकीर साई, थोड़े इस बर्तन विच ते बिष्टा है, गंध है, खीर अमृत है, मैं ये अमृत इस गंध विच किस तरह पा दें। फकीर उच्ची आवाज होके बोलन लगा, बीबी जैसे मेरे इस गंदे भांडे दे जिस दे गंध पई है, तू अमृतमई खीर नहीं पा सकदी, तेरे गंदे हिरदे विच मैं अमृतमई नाम पावां ते किस तरह पावां, अमृतमई ज्ञान पावां ते किस तरह पावां। तू खीर मैनू तां देवेंगी, मैं इस भांडे नूं साफ करांगा, मैं गल रब दी तां तैनूं सुणावांगा। तू अपनी नीयत ठीक करेंगी, तू अपनी भावना ठीक करेंगी। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। दूजी विपरीत चीज एक पासे करिए तां ही वस्तु उस दे समा सकदी है। झूठ नूं एक पासे करिए तां ही सच समा सकेगा। इसे तरीके नाल दुराचार नूं एक पासे करिए तां ही सदाचार समा सकेगा। ते कोई आखे दोहां नूं कट्ठा रखना है, ये दोवें विपरीत ने, एक थां ते नहीं रहणगे। विनम्रता ते अहंकार यक जा नहीं रह सकता। लोभ ते संतोष एक थां ते नहीं रह सकते। और इसे तरीके नाल क्रोध ते वीर रस एक भांडे च नहीं रह सकते। एक नूं ते रुखसत करना ही पएगा, क्योंकि दोवें विपरीत ने। हू बहु यही गल गुरु अंगद देव जी महाराज इस वाक दे विच कह रहे ने, वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। वो जो हुक्मी परमात्मा दा जो हुक्म चल रहा है, उस हुक्मी दे हुक्म दे अगों तेरा हुक्म नहीं चल सकता। हुक्म दे च हुक्म नहीं समावेगा। जे तू दो हुक्म नू कठा करना चाहे एक थां ते, मुश्किल है। हुक्मी दा ही हुक्म चलेगा, तेरी अरदास चल सकती है, तेरा हुक्म नहीं चल सकता। तेरी प्रार्थना चल सकती है, तेरा हुक्म नहीं चल सकता। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि साहिब सेती हुक्म ना चले, कही बने अरदास। अरदास ही कहना बन दिए, तेनू अरदास ही जो है करनी चाहिए। फिर आखिर दे सतगुरु कहंदे ने, कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। जो कूड़ दी कमाई करदा है, भाव जीवन दे पख पख दे झूठ ही झूठ है, आखिर झूठा हो जांदा है, ख्वार हो जांदा है। नानक सिफत विगास, ते जो परमात्मा दी सिफत सलाह करदा है, उस दे कुल खेड़ा हुंदा है,
उस कोल खुशी आउंदी है, उस दे कोल आनंद होंदा है।